44 नंबर, और मूलांक 5 की बारी आ चुकी है मित्रों, 23 नंबर लिखिए, यानी 23 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 5 23 नंबर, और मूलांक 6 15 नंबर यानी कि 15 नंबर। मूलांक 7 आज नोट करेंगे 34 34 नंबर को, ये मूलांक 7 का है सीक्रेट नंबर 34 नंबर। मूलांक 8 आज लिखें 17 यानी कि 17 नंबर को। मूलांक 9 आखिरी मूलांक होता है, जैसा कि अवगत हम करा चुके हैं मित्रों आपको, 54 नंबर है आपके लिए बहुत खास सीक्रेट नंबर। क्या विधि है ये आप जान लीजिएगा। आज मित्रों रविवार का दिन है, और आपको बता दें आज आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हो सके तो अपनी दाई कलाई पर लाल चंदन या लाल जो है किसी रोली के द्वारा या केसर के द्वारा अपनी दाई कलाई पर आप इसको लिख लीजिएगा, भरपूर फायदा उठाइएगा, आपके भाग्य में चार चांद अवश्य लगेगा। ग्वालियर से हमारे साथ अजहर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अजहर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजहर जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी 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 बात कीजिए। हेलो अजहर जी, आवाज आ रही है हमें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग प्लेस बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1990। जी समय बताइए। जी मेरा है रात दिन के 12 बजे सॉरी रात को एएम। तो ये 18 तारीख ही थी ना, 19 तो नहीं थी। 1990 18 सितंबर। जी बिल्कुल, जन्म स्थान बताइए भैया। ग्वालियर। जी अब बताइए सर आप क्या पूछना चाहते हैं। भिंडी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसे किसी काम पे अपने हाथ डालता हूँ, मतलब किसी भी चीज में मैं अपना वो करता हूँ, तो सारे का मेरे काम उल्टे हो जाते हैं। और मतलब जैसे किसी से दोस्ती भी या फ्रेंडशिप वगैरह करता हूँ तो वो बंदा अपने आप ही दूर होने लगता है, फिर वो बात नहीं करता है, खिंचने लगता है, और मतलब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और जैसे किसी से कुछ पूछना चाहूंगा कि रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब सब जगह से मुझे नाकामी मिलती है। जी 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 देखिए भैया आपको बताते हैं, मिथुन लग्न की आपके पत्रिका और सिंह राशि है, सिंह राशि पर इस समय राहु देव का गोचर आपको बिल्कुल परेशान कर सकता है, और वो भी तीसरे भाव के अंदर। राहु का गोचर वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन आपकी सिंह राशि होने की वजह से तीसरे भाव में बुध और शुक्र की यानी कि चंद्रमा बुध और शुक्र की युति होने पर, और इन तीनों ग्रहों पर से राहु देव का गोचर, तो मान के चलिएगा ये तीनों ही ग्रह काफी हद तक पीड़ित हो जाते हैं। और तृतीय भाव का स्वामी सिंह राशि के अंदर यानी कि चतुर्थ भाव में विराजमान है, वो भी सूर्यदेव, और बहुत अच्छा फल चतुर्थ भाव के अंदर सूर्यदेव नहीं दे पाते, और चंद्रमा की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं आपके साथ ऐसा नहीं होगा, 25 मई 2017 के बाद जब बृहस्पति का यहां से परिवर्तन होगा तो काफी हद तक आप लाभ भी पाएंगे। और रही बात मित्रता के प्रश्न की, जब भी आप मित्रता करें तो ऐसे ही व्यक्ति को मित्र बनाइएगा जो बहुत सोच के समझ के जो आपके काबिल हो, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कोई आपके लिए बहुत अच्छा सोचे। इसके निमित्त आप एक उपाय करिएगा, तांबे का एक पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना आरंभ करिए। ऐसा कम से कम 3 रविवार करिएगा, लाभ अवश्य होगा और आपकी मित्रता में आपको फर्क काफी दिखाई देगा। और चलिए बारी आ गई है राशिफल को जानने की। ये राशिफल है आपका कल के दिन के लिए, तो मेष से लेकर कन्या तक का जो भी हाल है, कितना उनका भाग्य प्रतिशत है, क्या उनका लकी कलर है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, मेष से लेकर कन्या तक के क्या कह रहे हैं सितारे आपको अवगत करा देते हैं। मेष राशि वाले सभी बंधुओं की मेहनत जो है वो रंग लाएगी, प्रॉपर्टी में निवेश करना काफी हद तक लाभ देगा, गहरा लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 69। बता दें आपको वृषभ राशि के बारे में, दिन शुभता लाएगा, और साथ ही साथ आपको बता दें जीवन साथी से संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, गहरा हरा रंग काफी शुभता लाने वाला है, भाग्य का प्रतिशत है 70। मिथुन राशि, भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा, सेहत पहले से बेहतर होगी, गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 85। कर्क राशि, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, बहुत अच्छी बात है, यात्रा के योग बनेंगे, क्रीम रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 60। सिंह राशि मित्रों, व्यर्थ खर्च से बचिएगा, फेस्टिवल टाइम है, ऐसा ना हो कि आप अकारण ही ऐसे पैसे खर्चते चले जाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कार्यों को समय पर कर लीजिएगा, ग्रे रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 70। कन्या राशि, अपने कार्यों पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, किसी को उधार जो है वो बिल्कुल नहीं देना है, संतरिया रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में ये समस्या लगातार बनी रहती है कि धन तो बहुत सारा आता है लेकिन स्थिर नहीं रहता है, कहा जाता है लक्ष्मी जी चंचला भी है, यानी कि चंचल रहती हैं, वो टिककर नहीं रहती हैं, लेकिन उपाय उनको मजबूर कर सकते हैं कि उनको घर में स्थिर तौर पर लाया जा सके। अब स्थिरता के लिए धन की जो ठहराव है उसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है ये जानते जाए। बिल्कुल मित्रों, लक्ष्मी चंचला है, स्थिर नहीं रहती है, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके, उनसे क्षमायाचना मांग के, कुछ ऐसा विधान करके उनको अपने घर पर, अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने कार्यस्थल पर आप रोक सकते हैं। लेकिन इसके निमित्त आपको एक उपाय का सहारा लेना होगा। एक पान के पत्ते पर रोली में गंगा जल मिलाकर श्रीम लिखिएगा, माँ भगवती लक्ष्मी का मंत्र है। एक पान के पत्ते पर रोली में गंगा जल मिलाकर आप श्रीम लिखिएगा और सफेद मिष्ठान भी आप उसी पान के पत्ते पर रखकर मां लक्ष्मी को अर्पण कर दीजिएगा। छोटा सा उपाय है और साथ ही साथ मां लक्ष्मी स्त्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको 11-11 बार करना होगा। इस उपाय को करके देखिएगा, फेस्टिवल है और मां लक्ष्मी का पावन पर्व भी आने वाला है दीपावली, इसको करते जाइएगा, दोहराते जाइएगा। मां लक्ष्मी की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर, आपके व्यापार पर, आपके कारोबार पर अवश्य होगी। लखनऊ से शिवम जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा नाम शिवम है जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1994 जी। और मेरा समय है जन्म का 4:30 बजे शाम का जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्या जाना चाहते हैं आप? मैम मैं अभी आईटी फील्ड में हूँ जी, तो क्या आईटी फील्ड मेरे लिए सही है? और मैंने कोई रत्न नहीं पहना है इस टाइम जी, और कोई रत्न अगर उचित हो तो बताइए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल भैया। देखिए मकर लग्न की पत्रिका, आपको बिल्कुल रत्न का भी आपको सुझाव दे देते हैं। राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा, देखिए राशि से इस समय 12वें घर के अंदर, वो भी अष्टम भाव में सूर्य पर से गोचर कर रहे हैं राहु। राहु की ही महादशा 6:30 से 7:30 रत्ती का आप एक उत्तम किस्म का सलोनी गोमेद आप धारण करिए, हो सके तो इसे बीसा यंत्र के साथ अटैच करा के आप धारण करिएगा। ओम ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म से राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा। हो सके तो एक शुद्ध सफेद चंदन की माला अपने कंठ में धारण कर लीजिए, ठाकुर जी भी की कृपा होगी। और थोड़ा सा कुछ पीले फलों का दान छोटे बालकों में कर दीजिएगा, त्वरित आपके सामने परिणाम होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं घर के आग्नेय कोण के बारे में, ये कोण कितना जरूरी होता है घर की सुख शांति के लिए और कलह कलेश के निवारण के लिए। इस कोण में आपको एक खास दिया जलाना है, लेकिन वो दिया किस प्रकार से आपको तैयार करना है, कौन सी पूजा विधि अपनानी है इस दिए को जलाने से पहले, हम बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं बेहद ही खास जानकारी, क्योंकि घर में डेकोरेशन आपको करनी है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम घर में ले आते हैं। आचार्य जी, कुछ ऐसी चीजें आपको बताना पसंद करेंगे हमारे दर्शकों को कि कुछ ऐसी चीजें जो दिखने में ही अच्छी लगती है लेकिन हम उठाकर घर ले आते हैं सजावट के तौर पर, तो किन चीजों का खास ख्याल रखना है? बहुत सारे नकली फूल भी आते हैं मार्केट में, असली भी आते हैं, तो क्या कुछ परहेज हम कर सकते हैं? देखिए, हम आपको बता दें, शायदा जी अपने प्यारे दर्शकों को भी बता दें कि हो सके तो कुछ ऐसे पुष्प यानी कुछ ऐसे फ्लावर आप अपने घर के अंदर लाइएगा जो बिल्कुल सकारात्मकता फैलाएं, यानी कि कुछ आप जो है जो नेचुरल जो फ्लावर वो भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। एक पानी का जो है बर्तन लीजिएगा, उसमें कुछ गुलाब के पुष्प डाल दीजिएगा और हो सके तो वहां जो उस पर तैरने वाली जो मोमबत्ती होती है या दिया होता है उसे आप प्रज्वलित कर सकते हैं। काफी सकारात्मकता आपके घर के अंदर इस दिए के प्रज्वलित करने के बाद आएगी। और कुछ ऐसे सामान से बिल्कुल बचिएगा जो बिल्कुल भी जो है आपकी सेहत के लिए ठीक ना हो, इस चीज के सामान को आप बिल्कुल ना खरीदिएगा। और जब भी आप पूजा पाठ में थोड़ा सा हवन सामग्री को इस्तेमाल करें, बहुत सोच के समझने के पश्चात ही आप उस हवन सामग्री को परचेज करिएगा। आजकल कुछ मार्केट में इस तरह की जो हवन सामग्री अवेलेबल है जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सोच के समझ के धूप दीप हवन सामग्री वगैरह को आप परचेज करिएगा। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सुरक्षा के बारे में। तो 24 घंटे आप रहेंगे सुरक्षित, लेकिन उपाय क्या करेंगे खास, आइए जान लेते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हैं हम माताओं बहनों की सुरक्षा का, आज हमारे पास एक उपाय है जिसे हम आपको बता देते हैं। एक पान के पत्ते पर दो लौंग साबुत, बिल्कुल उसमें से कोई भी कॉर्नर उसका टूटा हुआ ना हो। एक पान के पत्ते पर दो लौंग और थोड़ा सा सिंदूर रखिएगा, माँ कालिका को आज ही के दिन आप अर्पण करिएगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी, माता रानी आपकी रक्षा अवश्य करेंगी और आप सुरक्षित रहेंगे। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है बाकी बचे राशिफल की, तो तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि वाले सभी बंधुओं के विवाद जो चल रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मेहमान आने के योग बहुत अच्छे बनेंगे, बादामी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत है 59। अब बता दें आपको वृश्चिक राशि के बारे में, रिश्ते की बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी, मित्रों से शुभ समाचार आपको मिलेंगे, कॉपर रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 78। धनुराशि, निवेश से लाभ होगा, सेहत के सितारे चमकेंगे, लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 60। मकर राशि वाले भी जान लीजिए क्या कह रहे हैं उनके सितारे, सफलता के योग बनेंगे, निराशा बिल्कुल निकाल दीजिएगा मन से, बाहरी खान पान बिल्कुल ना करिएगा, घर का ही खाना खाइएगा, सफेद रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 85। कुंभ राशि, व्यर्थ खर्च से आप बचिएगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, हरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 90। बताएं आपको मीन राशि के बारे में, दिन आरामदायी बीतने वाला है, कल का दिन नए वाहन खरीदने का योग आपके जन्मांक में है, पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 80। और चलिए, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े रतलाम से, नरेंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, गुरुदेव को प्रणाम और दीदी आपको भी मेरा प्रणाम हो। श्री राधे भैया, जी नमस्कार, आशीर्वाद। मैं प्रश्न के पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलियारी गुरु की जो गोविंद जो मुझे बताए। जी आभार, बहुत बहुत आभार आपका नरेंद्र जी, इतने अच्छे सद्भाव के साथ आपने अपनी भावनाएं हमारे सामने व्यक्त की हैं। धन्यवाद दीदी, आपने मेरी दिल की बात को सुना। अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जन्म 5/5/1957 को हुआ था, रात की 11:30 के बीच में हुआ था। 1957 मेरा जन्म स्थान रतलाम में है। जन्म का समय दोहराइए भैया। मेरा जन्म का नाम हरेंद्र है और बोलता नाम नरेंद्र है भैया। तो मैं इस राशि को अपनी राशि समझ के देखूं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे भाग्य कब जागेगा, इसके लिए मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? जी नरेंद्र जी, आप अपना समय एक बार दोबारा दोहरा दीजिए, जो आपका जन्म का समय है। रात को 11 से 11:30 के बीच में। जी, तो आप राशि जानना चाहते हैं, रत्न रतलाम। रतलाम तो, और कौन से आपको रत्न धारण करने हैं ये जानना चाहते हैं, और इसके अलावा क्या जानना चाहते हैं?
और तीसरा प्रश्न है कि मेरा भाग्य उदय कब होगा? भाग्य उदय कब होगा जी चाची? भैया देखिए आपको बता देते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना हमें सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया। धनु लग्न की आपकी पत्रिका है, आप जान लीजिएगा कर्क आपकी राशि है, शुक्र की महादशा, शुक्र आपके जन्मांक के अंदर आपको बता दें एकादश भाव अर्थात ग्यारहवें भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, और बुध की अंतरदशा, बुध आपके जन्मांक में सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। आपको क्या करना है, आपको शुक्र देव की आराधना करनी है, हो सके तो ओम शुम शुक्राय नमः, काफी हद तक आपकी सेहत की कोई आने वाली समस्या जो होगी वो बिल्कुल इस मंत्र के द्वारा आप पहले से ठीक हो पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें आप एक बुध का जो है यंत्र भी अपने घर के अंदर स्थापित करिए और एक रत्न भी धारण करिए, ओम ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करते रहिएगा। 8:30 से 9:30 रत्ति तक के बीच का आप एक पन्ना धारण करिए, लाभ भी होगा। और आने वाले समय में आपको बता देते हैं 15 अगस्त 2018 तक कुछ शारीरिक व्याधियां आ सकती हैं, घबराइएगा नहीं, उसके बाद भाग्योदय अवश्य होगा। और हमारे साथ सीमा जुड़ गई हैं इंदौर से, उनसे बात कर लेते हैं। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा जी लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन बेगूसराय से हमारे साथ अर्चना जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका अर्चना जी। जी मैम नमस्ते। नमस्कार अर्चना जी। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे प्रणाम। हम तो एक बार और आपसे बात किए थे, लेकिन आप इतना तेजी में बोले कि हमको कुछ समझ नहीं ले रहा है, आप क्या बताएं। जी जी, आज फिर आपके पास मौका है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग प्लेस बताइए और फिर सवाल कीजिए। 5/5/1981 समय बताइए। समय 5 बजे सुबह। जी सुबह 5 बजे सुबह। जी जी, और बताइए स्थान। दिन था मंगलवार। क्या हम मांगलिक माने जाएंगे? जी क्या? बिल्कुल आपको बताते हैं, आप जन्म का स्थान बताइए। हेलो, जन्म का स्थान बता दीजिए आप। जन्म का स्थान हाजीपुर है, और मेरा प्रश्न है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती है और शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आज लोग देखने आने वाले हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए जो सब कुछ सही हो जाए। शादी भी नहीं हो पा रही है जी, और जॉब चाहिए, और जानना चाहते हैं कि मंगलवार का जन्म है इसलिए क्या ये मांगलिक है। वैसे ये जो सवाल है हमारे यहाँ पहले भी पूछा जा चुका है, जवाब दे चुके थे बिल्कुल, लेकिन ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। जी देखिए आपको बता देते हैं कि आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं, लेकिन सूर्य और मंगल और शुक्र और बुध की युति आपके लग्न के अंदर है। आप ऐसा नहीं है कि मंगलवार के दिन जो व्यक्ति विशेष जन्मे होते हैं या कोई स्त्री या बालक जिसका भी बर्थ जो है मंगलवार को हुआ हो वो मांगलिक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम और द्वादश भाव के अंदर ही जो है मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है। इसको कई तरीके से चेक किया जाता है, कई बार ये दोष का परिहार हो रहा होता है तो इसमें हमेशा घबराना नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप मांगलिक हो जाएंगे तो आपको कोई दोष लग जाएगा, हनुमान जी की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति विशेष पर रहती है। एनर्जाइज आप बिल्कुल हमेशा रहते हैं, आप में ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से होता है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपने हमसे प्रश्न पूछा है कि कोई ऐसा उपाय बताए ताकि विवाह की जो है चिंता परेशानी हट जाए। जब भी आप कोई व्यक्ति या आपके परिवार के लोग आपके निमित्त कोई भी ऐसा कुछ उपाय या कुछ करते रहते हैं तो उसको बहुत सटीक तरीके से करना होगा, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही उस उपाय को करना होगा। जो भी आप उपाय कर चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक उपाय का सहारा लीजिएगा, कम से कम 108 चने लीजिएगा, इन्हें केसर या हल्दी में आप जो है डिप कर दीजिएगा, डुबा के रखिएगा, और गंगा जल की कम से कम 7 बूंद इस पर अवश्य डालिएगा। अगले दिन जब ये चने भीग जाएंगे इन्हें अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाने के पश्चात किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा एक बार उपाय करके देखिएगा, प्रसन्नगति देव की कृपा आप पर अवश्य होगी। आचार्य जी सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं खास जानकारी देने के लिए, और हमसे हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल दोपहर 2 बजे तो और भी अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक खास जानकारी आपके लिए, वो ये कि अब आपको मात्र 7 दिन रह गए हैं और दिवाली तक आपको अपने घर को रोशन करना है, लेकिन हर दिन आपको एक खास तरीके का दिया जलाना है। हम आपको बताएंगे उस दिए को तैयार करने की खास विधि। फिलहाल देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक, और अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। में माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं जिसमें मुख्य है बीपी शुगर थायराइड लीवर खराब किडनी फेल मोटापे की दिक्कत जोड़ों का दर्द ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है क्या नहीं खाना क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है ना सरकार सिखा रही है ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से जीना सीखो के माध्यम से हम आपको पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए
मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फोन आते हैं, थैंक यू के फोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबे भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेज ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से असंतुष्ट है या उसको कोई तकलीफ है तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस डब्बे के ऊपर छपा होता है, तो वहां कंप्लेंट करिए। क्योंकि हमारी जो खाली दवाई नहीं आती, हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते, दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा, यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी, और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम, वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको, जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नबज देख के, जीव देख के सब कुछ बताते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो, क्योंकि हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है, क्यों है और कब से है। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे